शुक्ला, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्सेस ऑन सबमर्ज बॉडीज। किसी भी सबमर्ज बॉडीज पे किसी फ्लोइंग फ्लूइड द्वारा क्या फोर्स लगेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि सिंपल ऐसे सबमर्ज बॉडी का यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि केवल पानी में ही सबमर्ज है। हम फ्लूइड की बात करते हैं तो हमारे फ्लूइड में आपका एयर भी आता है और वाटर भी आता है, ठीक है, यानी कि गैस और लिक्विड दोनों होता है, ठीक है। तो गैस और लिक्विड दोनों में आपका फ्लूइड होता है और इसलिए यहाँ पे जैसे सबमर्ज की बात कर रहा है तो क्वेश्चन सबमर्ज में क्या है कि जैसे फ्लो ऑफ एयर ओवर अ बिल्डिंग, जैसे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग के ऊपर से कोई हवा जा रही है, बह रही है, किसी ब्रिज के ऊपर कोई हवा जा रही है, सबमरीन है, शिप है, एयरप्लेन है, ऑटोमोबाइल है, इन सब की बात करेगा, ठीक है। तो सिंपल हमें पढ़ना क्या है कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी स्टेशनरी बॉडी या मूविंग बॉडी के ऊपर उनका क्या रिएक्शन होगा, कौन से फोर्सेस वो प्रोवाइड करेंगे या ऑफर करेंगे उस बॉडी के ऊपर, हमें वो सारे फोर्सेस के बारे में देखना है, ठीक है। जैसे पहला टॉपिक आपका यहाँ पे लिया गया है फोर्स एग्जर्टेड बाई देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई बॉडी अगर स्टेशनरी है या मूविंग है, जैसे कोई बॉडी है यहाँ पे रखा है एक बॉडी इस तरीके से और इधर से कोई फ्लो हो रहा है, चाहे अब ये फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड में ये हो सकता है आपका लिक्विड भी रहे या हो सकता है आपका ये गैस भी रहे, ठीक है, यानी पानी और हवा दोनों हो सकता है। तो मान लेते हैं कोई एक स्टेशनरी बॉडी है, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग, कोई ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे जैसे डायग्राम में बनाया गया है, ठीक। और इस डायग्राम में जो आपका कोई एक फ्लोइंग फ्लूइड मानते हैं जिसकी वेलोसिटी यू है, एक कोई फ्लूइड इसमें इधर से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्लूइड जैसे कोई बाइक खड़ी है, कोई बिल्डिंग खड़ी है या आप खड़े हो, तो उसके ऊपर मान लो कोई एयर का फोर्स लग रहा है, एयर उसके ऊपर लग रहा है, हवा चल रही है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये आपका एयर है, तो वो एक फोर्स ऑफर करता है उस बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो वो जो फोर्स लगाता है उसको मान लेते हैं टोटल रिजल्टेंट फोर्स या टोटल फोर्स जो उस बॉडी पे लग रहा है। जैसे कोई बॉडी है उस पे एयर है, जैसे मान लो फैन चला रहे हो, फैन से कोई हवा निकल रही है, कोई बॉडी है उसके ऊपर हवा लग रहा है, ठीक है, ये बॉडी है और ये आपका मान लेते हैं फैन है, ठीक है, यहां से इस पे एयर थ्रो मिल रहा है। अब ये एक फोर्स ऑफर करेगा बॉडी के ऊपर, मान लेते हैं वो फोर्स एफ आर है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स होता है, टोटल फोर्स जो उस बॉडी पे आपका कहीं ना कहीं से लग रहा होगा, ठीक। तो अगर बात करते हैं उस पे लगने वाले फोर्सेस की, तो वो फोर्स दो हिस्से में ब्रेक होता है। एक जैसे कोई भी फोर्स ऐसे इंक्लाइंड है किसी थीटा पे मान लीजिए, ठीक है, तो एक फोर्स इधर आएगा जो कि आपका होगा एफ कॉस थीटा और एक इधर जाएगा जो कि आपका होगा एफ साइन थीटा, यानी इस फोर्स को हम एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स बॉडी के पैरेलल होगा, तो जैसे मान लो बॉडी अगर ऐसे रखी है कोई बॉडी इस तरीके से, तो ये एफ कॉस थीटा इस बॉडी के पैरेलल चल रहा है, दिख रहा है ये चीज इसके पैरेलल है, तो ये कहलाएगा आपका ड्रैग फोर्स जिसको हम बोलेंगे एफ डी, और जो फोर्स इस बॉडी के परपेंडिकुलर होगा उसको बोलेंगे लिफ्ट फोर्स जिसको बोलते हैं एफ एल, ठीक है। ड्रैग फोर्स एफ डी, लिफ्ट फोर्स एफ एल। तो ड्रैग फोर्स वह फोर्स होता है जैसे कोई फ्लोइंग फ्लूइड है जिसकी बॉडी से पास कर रहा है, तो उसका जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे, तो जो हिस्सा उस बॉडी के पैरेलल लग रहा हो, जैसे आप सिंपल ऐसे ये एयर चल रहा है यहाँ पे एक बॉडी रखा है इस तरीके से, कोई बॉडी है तो इस बॉडी के पैरेलल है ये चीज, दिख रही है ये, और ये पैरेलल है, तो ये आपका ड्रैग फोर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर बॉडी ऐसे रखी हुई है इस तरीके से तो इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, दिख रहा है ये चीज, जैसे बॉडी है तो यहाँ परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, तो ये कहलाएगा आपका लिफ्ट फोर्स, ठीक है, ये कहलाएगा आपका लिफ्ट फोर्स।
तो ये कहलाएगा आपका लिफ्ट फोर्स। ठीक है, अब इसमें अगर बात करते हैं हम लोग तो लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स होता क्या है। तो ड्रैग फोर्स क्या होगा, सिंपल, जो उस पर एक तरीके से ड्रैग ऑफर कर रहा होगा, एक खिंचाव उसके ऊपर लगा रहा होगा, मतलब उस बॉडी के ऊपर एक ड्रैग, मतलब जो घर्षण कह सकते हो एक तरीके से, जो उसके ऊपर मतलब खींच रहा है उसको। ठीक है, जैसे आप बाइक चलाते हो तो सामने से एयर ड्रैग लगता है आपको, जो हवा आपको रोक रही होती है, जो आपके मोशन के, जैसे आप बाइक इधर लेके जा रहे हो तो हवा ऐसे लगता है, तो यहाँ पे ये ड्रैग फोर्स हो गया आपका। ठीक, और सोचो कि अगर आपके पैरासूट ऐसे है, ठीक है, और आप कोई पैरासूट लेके ऐसे जंप कर गए, मान लीजिए कोई पैरासूट है इस तरीके से, ठीक है, और आप एक पैरासूट लेके जंप कर गए यहाँ से, तो अब ये नीचे आ रहा है। ठीक, तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे हो गया, तो ये इसका ड्रैग हो गया। बात समझ रहे, ऐसा नहीं है कि जो चीज हॉरिजॉन्टल लग रहा है उसी को हम ड्रैग फोर्स बोलेंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि बॉडी के स्टेट, यानी बॉडी अगर स्टैटिक है तो बॉडी के पैरेलल, बॉडी अगर मोशन में है तो बॉडी के पैरेलल, तो लगने वाला जो फोर्स होगा वो कहलाएगा आपका ड्रैग फोर्स। अरे बात समझ में, बॉडी के पैरेलल और बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कहलाएगा आपका ड्रैग फोर्स। ठीक है, अब आपका अगर मोशन इधर से नीचे की ओर है तो ड्रैग फोर्स ऐसे लगेगा, आपका फोर्स मोशन ऐसे है तो ड्रैग फोर्स ऐसे लगना चाहिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा ड्रैग का काम करे, जो कंपोनेंट उस बॉडी के मोशन या बॉडी के पैरेलल है उसको ड्रैग बोलेंगे, और जो कंपोनेंट उस बॉडी के परपेंडिकुलर है वो आपका लिफ्ट कहलाएगा। ठीक है भाई, किसी चीज को उठाने के लिए उसको नीचे से उठाना पड़ता है, यानी वर्टिकल फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे मान लो एक ब्लॉक रखा है, इसको उठाने के लिए आप ऐसे फोर्स नहीं लगाओगे तो इधर भागेगा। ठीक है, आपको इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी क्या, ये 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर कह सकते हो आप। ठीक है, तो यानी ये वाला फोर्स लगना चाहिए उसके ऊपर। तो जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स किसी बॉडी के मोशन के परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं लिफ्ट फोर्स, और कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। ठीक है, तो हमें यही FL और FD निकालना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही चीज लिखी भी हुई है, द कंपोनेंट ऑफ टोटल फोर्स FR इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड ड्रैग, दिस कंपोनेंट डिवाइडेड बाय FD, दिस ड्रैग फोर्स इज एक्टेड बाय द फ्लूइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, यानी बॉडी के पैरेलल लग रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी में लगना है, तो वो कहलाएगा ड्रैग। लिफ्ट क्या होगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उसको बोलेंगे लिफ्ट फोर्स, इसको FL से लिखते हैं। ठीक, लिफ्ट फोर्स ऑकर्स ओनली व्हेन द एक्सिस ऑफ बॉडी इज इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, लिफ्ट तभी लगेगा जब बॉडी इंक्लाइंड होगी। जैसे अगर आप हॉरिजॉन्टल चल रहे हो ऐसे, तो यहाँ पर लिफ्ट फोर्स नहीं आएगा। सोचो जैसे एक बॉडी ऐसे रखी हुई है और ऐसे फ्लो जा रहा है, तो इसमें कोई लिफ्ट जनरेट ही नहीं होगा। जब बॉडी ऐसे आपका इंक्लाइंड होगी, इस तरीके से ऐसे इंक्लाइंड रखी होगी, तो यहाँ से लगने वाला फोर्स दो हिस्से में टूट जाएगा, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर। ठीक है, जैसे कोई फोर्स ऐसे लग रहा है किसी बॉडी पे, ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, तो ये कंपोनेंट FL हो जाता है, ये कंपोनेंट ड्रैग होता है। तो ये कब आता है, जब कोई बॉडी इंक्लाइंड होती है। ठीक है, और अगर कोई बॉडी आपका, जैसे यहाँ लिखा है बॉडी इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, लिफ्ट फोर्स इज जीरो। जैसे आप बाइक चला रहे हो, तो बाइक चला रहे होगे तो आपका जो फ्लूइड फोर्स है, जो फोर्स लग रहा होगा, वो केवल सामने से लगता है, यानी बाइक आपकी ऐसे जा रही, हवा आपको सामने से ऐसे लगता है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ड्रैग फोर्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्लूइड को हम लोग आइडियल एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, और बॉडी आपका कह सकते हो सिमेट्रिकल रहता है, सच एज
स्फेयर और सिलेंडर कह सकते हैं। मतलब अगर कोई स्फेयर या सिलेंडर है, यहाँ पे ये कह रहा है स्टेटमेंट कि कोई सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, या आपका कोई स्फेयर है यानी बॉल रखी हुई है और आइडियल फ्लूइड है, तो ड्रैग और लिफ्ट 0 हो जाता है, ठीक है। यानी किसी सिलेंडर पे अगर आइडियल फ्लूइड फ्लो कराएं या स्फेयर के ऊपर, तो आपका ड्रैग और लिफ्ट दोनों 0 होता है। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अगर आइडियल फ्लूइड को किसी सिलेंडर से पास कराते हैं तो ड्रैग और लिफ्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा आपका, एक टॉपिक है इसका एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है आपका फॉर्मूले बेस्ड कि जो ये ड्रैग और लिफ्ट फोर्स जो ये लग रहा है, इसका कितना टर्म आपका निकल के आ रहा है, ये चीज पूछता है। एफ एल और एफ डी कितना होगा, फिर एफ आर निकाल लोगे, एफ आर इक्वल टू क्या करोगे, अंडर रूट एफ एल स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे कि ड्रैग फोर्स है, लिफ्ट फोर्स है, तो इसको निकाला जाएगा, तो ये आपका टर्म यहाँ से निकल के आता है। ये डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए इसको नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ड्रैग फोर्स आप निकालोगे सिंपल कंपेयर करके, तो एफ डी इक्वल टू सी डी हाफ रो ए यू स्क्वायर होता है। एफ डी इक्वल टू सी डी हाफ रो ए यू स्क्वायर, जो टर्बुलेंट फ्लो मैंने पढ़ाया था वही इक्वेशन यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली लिफ्ट फोर्स का भी एक्सप्रेशन सेम होता है, बस कोफिशियंट ऑफ लिफ्ट आता है सी एल हाफ रो ए वी स्क्वायर या यू स्क्वायर, जो भी वेलोसिटी आपकी है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लिफ्ट के लिए भी और ड्रैग के लिए भी, ठीक है। तो ड्रैग और लिफ्ट का फॉर्मूला आपका सेम है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो होगा एफ आर, वो हो जाएगा आपका अंडर रूट एफ डी स्क्वायर प्लस एफ एल स्क्वायर, अंडर रूट एफ डी स्क्वायर प्लस एफ एल स्क्वायर, ठीक है। और यहां से फिर आपको अगर डायरेक्शन निकालना होगा, तो यहाँ से टेन थीटा आप लोग निकाले भी होंगे, ठीक है। एफ एल अपॉन एफ डी, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एफ एल अपॉन एफ डी, यहाँ से आपका डायरेक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स के बारे में आप ये पॉइंट पहला लाइन लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे आपका ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स के बारे में वन वन लाइन नोट कर लीजिए इसमें लाइन, कि ड्रैग फोर्स में आपका क्या होता है, सिंपल ऐसा फोर्स जो बॉडी के मोशन के पैरेलल होगा उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। लिफ्ट फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो बॉडी के मोशन के परपेंडिकुलर होगा, तो वो कहलाएगा आपका लिफ्ट फोर्स, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले यहाँ पे ड्रैग और लिफ्ट के, इसमें का आपको एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे, इस न्यूमेरिकल पे इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। इसको नोट कर लीजिए ड्रैग के लिए और लिफ्ट के लिए, सी डी कोफिशियंट ऑफ ड्रैग, सी एल आपका कोफिशियंट ऑफ लिफ्ट होता है, ठीक है। डेरिवेशन इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसका यू वगैरह निकालने के लिए आपको मैथमेटिकल मेथड लगाना पड़ता है, ठीक है, तो वहां से चीजें उतना क्लियर नहीं होती हैं। जो टर्बुलेंट फ्लो मैंने डिराइव कराया था वहीं से उठ के चला आता है ये इक्वेशन, तो आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आप बस फार्मूला याद रखिए इसका, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, सी डी हाफ रो ए यू स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी सी डी पूछ लेता है, कभी कभी एफ डी पूछ लेता है, तो कोफिशियंट पूछेगा तो ड्रैग पूछेगा आपसे।
ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल करते हैं ड्रैग और लिफ्ट पे। कह रहा है कि एक फ्लैट प्लेट है 1.5:1.5 का, मतलब एक ऐसे प्लेट है, ठीक है, 1.5:1.5 का, जो कि मूव कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर पे इन अ स्टेशनरी एयर डेंसिटी, यानी एयर की डेंसिटी 1.15 है, यानी यहाँ पे एक डेंसिटी ऑफ एयर दिया है, जिस एयर में ये मूव कर रहा है वो है 1.15 केजी पर मीटर क्यूब। सीडी और सीएल दिया है 0.15, 0.75, सीडी आपका 0.15, सीएल आपका 0.75। हमें निकालना है लिफ्ट फोर्स, ड्रैग फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, पावर रिक्वायर टू कीप द प्लेट इन द मोशन। तो पावर आपका P इक्वल टू F इंटू U होता है, ठीक है, और मोशन के लिए आपको कितना फोर्स लगना है वो, मतलब पावर, वो चीज निकालना है आपको, ठीक है। और मोशन के लिए आपको पता है कि जो ड्रैग फोर्स है वही मोशन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगता है, तो यानी एफ डी इंटू यू कर देंगे तो आपको पावर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए क्वेश्चन ये वाला। तो इसमें आपको सिंपल देखिए क्या करना है, आपके पास एरिया निकालना है, ठीक है, ए इक्वल टू निकल जाएगा, यू दिया हुआ है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है।
ठीक है, डेंसिटी आपके पास दिया हुआ है, सी डी दिया है, सी एल दिया है, तो एफ एल के लिए होता है सी ए हाफ रो यू स्क्वायर या हाफ रो यू इंटू सी एल, तो सी एल 0.75 एरिया निकल गया है, डेंसिटी यू स्क्वायर बाई टू, तो ये आ गया 187.2 न्यूटन, ये हो गया आपका लिफ्ट फोर्स। ठीक, इसके बाद आपका आएगा ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स आपका ये हो गया एफ डी, तो ये हो गया सी डी इंटू ए इंटू रो यू स्क्वायर बाई टू, और ये आपका हो गया यहाँ से ये वैल्यू आ गई 37.44 न्यूटन, 37.44 न्यूटन एफ डी हो गया। ठीक है, एफ आर कैसे निकलेगा, एफ डी स्क्वायर एफ एल स्क्वायर को जोड़ करके अंडर रूट ले लेंगे, तो यह आ जाएगा 190.85। एफ डी देख कैसे निकला, सी डी इंटू ए इंटू रो यू स्क्वायर, सी डी दिया 0.15 एरिया आप निकाले, और डेंसिटी दिया हुआ है यू स्क्वायर कर देंगे बाई टू, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, पावर रिक्वायर्ड है, तो पावर किस में लगेगा कि जो ड्रैग फोर्स है उसी को ओवरकम करने लिए पावर लगेगा, कि भाई इधर से हवा हमको ऐसे रोक रही है तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो भी उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगेगा, तो जो ये ड्रैग फोर्स आपका आ रहा है इसी से पावर निकलेगा आपका। ठीक है, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा एफ डी इंटू यू, तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इंटू वेलोसिटी बाय 1000 दिया जाएगा किलोवाट में, एफ किस में, डायरेक्शन ऑफ मोशन में, इंटू वेलोसिटी बाई 1000, तो ये हो जाएगा किस में, किलोवाट में, ये हो गया पावर रिक्वायर्ड, तो P इक्वल टू एफ डी इंटू यू अपॉन 1000, ये हो जाएगा किलोवाट में 0.519 किलोवाट। ठीक है, ये टर्म आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको इसमें ड्रैग और लिफ्ट फोर्स निकालना था, आपके पास एरिया वेलोसिटी डेंसिटी सी डी सी एल दिया हुआ था, लिफ्ट फोर्स निकल गया एफ एल, ठीक है यहाँ से, और उसके बाद आपका ड्रैग फोर्स आ गया इस वाले टर्म से, फिर रिजल्टेंट निकाल लिया गया, पावर निकाल लिया गया। तो पावर हमने एफ डी क्यों लिया है, क्योंकि ड्रैग फोर्स ही डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगता है, एफ एल आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, तो इसलिए एफ एल नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, एफ एल से लिफ्ट प्रोड्यूस होगा, और हमें आपका ड्रैग निकालना था कि जो पावर किसमें लगेगा, भाई आप बाइक चला रहे हो सामने से आपको एयर लग रहा है आगे से, तो उस एयर के ड्रैग को ओवरकम करने के लिए आपको पावर लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हम ड्रैग फोर्स लेकर चलते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू वी बाई 1000, ये निकल के आता है आपका किलोवाट में। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन और है आपका इस तरीके से, इसमें वही काम करना है, एक विंड टनल की बात कर रहा है जिसकी विंड स्पीड इतनी दी हुई है, प्लेट साइज इतना दिया है, डेंसिटी ऑफ एयर 1.15 दिया हुआ है, कोफिशियंट ऑफ लिफ्ट और ड्रैग निकालना है। ठीक है, तो सेम वही चीजें हैं कि आपको एरिया दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, साइज दे दिया है उसका, सारी चीजें वही निकालनी है, एफ डी एफ एल सब यही चीजें निकालनी है, तो फिर अगेन वही आप करोगे जो भी चीजें मैंने बताई हैं। ठीक, एफ एल यहाँ से निकल जाता है, एफ एल हो गया, एफ डी इस फॉर्मूले से वही हाफ रो ए यू स्क्वायर इंटू सी डी, यहाँ से एफ डी निकल जाएगा, एफ आर आपका एफ डी स्क्वायर प्लस एफ एल स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे, ये इतना आ जाएगा। डायरेक्शन में होता है एफ एल अपॉन एफ डी होता है डायरेक्शन के लिए टेन थीटा, तो थीटा आ गया 78.69 डिग्री, पावर हो गया एफ डी इंटू यू, तो ये हो गया 412.26 इंटू डब्ल्यू, ये हो गया पावर आपका। ठीक है,
ठीक है। तो ये आपका हो गया ड्रैग और लिफ्ट के बारे में, ठीक है। इससे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। फार्मूला बस याद रखिएगा, और ये चीज़ याद रखिएगा कि ड्रैग फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगेगा और लिफ्ट फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन कई सारे बनते हैं काइट के ऊपर, पैराशूट के ऊपर, तो उसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जो टर्म्स यूज होंगे उसमें ड्रैग किस पे लगा रहा है और लिफ्ट किस पे लग रहा है, तो आपको बस डायरेक्शन ऑफ मोशन से उसको जज करना होगा। तो इस पे एक आध क्वेश्चन आपको काइट पे मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दे रहा हूँ इसमें। तो जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि काइट पे जैसे मान लो कि एक पतंग जैसे उड़ती है, तो पतंग को एक ऐसे मान लेते हैं एक लाइन के रूप में, मान लीजिए कोई काइट है इस तरीके सामने से दिख रहा है बस ये, ठीक है। थोड़ा सा इसको इंक्लाइन कर लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये एक काइट है, ठीक है, एक पतंग है, और एक इसमें एक धागा बांधा गया जिससे ये उड़ रहा है। एंगल मान लेते हैं 45 डिग्री, या मान लेते हैं कुछ 30 डिग्री, मान लेते हैं 30 डिग्री के एंगल से ये उड़ रहा है, ठीक है। तो इसका जो पुल जो इसको खींच के पतंग को उड़ा रहा होगा, तो एक आपका जो पुल दिख रहा है इसमें, वो मान लेते हैं आपका सिंपल मान लेते हैं 2.2 न्यूटन, मान लेते हैं 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसमें, 2 न्यूटन का पुल लग रहा है नीचे की ओर जिससे पतंग उड़ रही है। तो ये जो फोर्स है एफ आर, ये हो गया 2 न्यूटन का। अब ये क्या होगा, इसका एक हिस्सा ये जाएगा एफ डी और एक हिस्सा जाएगा ऊपर एफ एल, क्योंकि ये आपका क्या कह सकते हो सिंपल, ये टोटल फोर्स है 2 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा 2 न्यूटन, यानी एफ डी के लिए क्या हो जाएगा एफ आर, रिजॉल्व करो इसको, तो यहां आ जाएगा 2 cos 30, ठीक है, और एफ एल हो जाएगा 2 sin 30, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, और प्लस एफ एल में क्या आएगा कि ये जो वेट ऑफ द काइट है ये डब्ल्यू नीचे लगेगा, तो ये दोनों जोड़ लेंगे। इस पे एक नंबर का मैं कल कराऊंगा लेक्चर में इस पे, ठीक है। तो अभी के लिए ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ड्रैग और लिफ्ट निकालने के लिए हम लोग यहाँ से एक आपका टर्म यहाँ से आ जाएगा आपका, जो एफ एल लिफ्ट फोर्स निकालना होगा वो आप इसको दोनों को कंपेयर करके निकालोगे यहाँ से। तो जो एफ एल हो जाएगा वो टोटल हो जाएगा 2 sin 30 degree प्लस डब्ल्यू, और एफ डी आपका हो जाएगा 2 cos 30 degree, ठीक है। तो ये आपका था ड्रैग एंड लिफ्ट का। इस पे काइट वगैरह पैराशूट वगैरह क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ लेक्चर में आगे मैं कवर करता हूँ तो उसको कवर करा दूंगा। वैसे फार्मूला यही लगना है और कोई चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। एक नंबर पर कर इसका लेक्चर में देख लेते हैं हम लोग। सो थैंक यू क्लास।